बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन, एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास एक तालिबे इल्म लड़की आई और पूछा कि क्या कुरान मजीद में कोई एक भी ऐसी आयत मुबारक मौजूद है जो औरत पर हिजाब की फर्जियत या पाबंदी साबित करती हो। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि पहले अपना तारफ कराओ। तलबा ने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी साल की एक तालिबा हूँ और मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक अल्लाह तबारक वताला ने औरत को हिजाब का हरगिज़ हुक्म नहीं दिया, इसलिए मैं बेपर्दा रहती हूँ। ताहम मैं अपने असल से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। ये बात बिल्कुल अलग है कि मैं इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक वताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक ही मतलब वाला लफ्ज तीन मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जाए तो तुम उसका क्या मतलब अखज करोगी? तालबा, वो कहने की मैं कुछ समझी नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे अपना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा दो, फिर आपने कहा या मैं तुम्हें यूं कहूं कि अपनी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट दिखा दो, या ये कहूं कि अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की फाइनल रिपोर्ट दिखा दो, तो इन तीनों से तुम क्या नतीजा अखज करोगी? तालबा, वो कहने लगी कि इन तीनों बातों का मतलब यही समझ में आता है कि आप मेरा रिजल्ट देखना चाहती हैं। जब आपने मुझे कहा यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाओ, जब आपने मुझे कहा कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट दिखाओ, जब आपने मुझे कहा कि अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल कॉपी दिखाओ, तो इन तीनों का मतलब यही है और इन तीनों बातों में कोई भी ऐसी बात पोशीदा नहीं जो मुझे किसी शक में डाल दे, क्योंकि डिग्री, रिजल्ट कार्ड या फाइनल तालीमी रिपोर्ट सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि आप मेरा रिजल्ट कार्ड या मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, बस मेरा यही मतलब था जो तुमने समझ लिया, लेकिन आपकी इस मंते का मेरे हिजाब के सवाल से क्या ताल्लुक है? तालबा कहने लगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक व ताला ने भी कुरान मजीद में तीन ऐसे इस्तियारे इस्तेमाल किए हैं जो औरत के हिजाब पर बिल्कुल दलालत करते हैं। तालबा ने हैरत से पूछा, वो क्या और किस तरह से? अब डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने पर्दादार औरत की जो सिफात बयान की हैं उन्हें तीन तशबीहात या इस्तियारों से बयान फरमाया है, अल हिजाब, अल खिमार और अल जलबाब, जिनका मतलब बस एक ही बनता है। तुम इन तीन तशबीहात से क्या समझोगी? तालबा, डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर इख्तलाफ रहे तो बनता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम डिग्री, रिजल्ट कार्ड या फाइनल तालीमी रिपोर्ट से एक ही बात समझियो। तालबा, मुझे आपके समझाने का अंदाज बहुत अच्छा लगा, मगर मजीद बात जो वजाहत के लिए गौर तलब है वो भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, पर्दादार औरतों की पहली सिफत और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल ढाले रहें। वल्यज़रिबन बिखुमरिहिन अला जुयूबिहिन, अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दादार औरतों की जो दूसरी सिफत बयान फरमाई है वो ये नबी है, या अय्युहन नबी قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर जादू चादर के पल्लू लटका लिया करें। डॉक्टर ने कहा, ठहरो, मुझे इन तीन तशबीहात की अरबी ग्रामर से भी थोड़ी सी वजाहत करने दो। अरबी ग्रामर में अल खिमार उस ओढ़नी को कहते हैं जिससे औरत अपना सर ढांप लेती है, ताहम ये इतना बड़ा हो जो कि सीने को ढांपता हुआ घुटनों तक चला जाता हो, और अल जलबाब ऐसी खुली कमीज को कहते हैं कि जिस पर इंसान का सर भी आ जाए और सर ढांपने वाला हिस्सा मुड़ा हुआ हो और उसके बाजू भी बने हुए हों। फिर जमाना इसकी बेहतरीन मिसाल अगर हम बात करें तो मराकशी औरतों की कमीजें हैं जिस पर यह सारी चीज़ें बनी होती हैं। ताहम जो हिजाब है उसका मतलब तो वैसे यही बनता है कि पर्दा ही है। तालबा से पूछा, बताओ कि क्या आपको मेरे सवाल के जवाब की समझ आ गई? तालबा ने कहा हाँ। फिर कहने लगे, हाँ, अगर तेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की मोहब्बत है तो एक बात और भी जान लो, लिबास दो किस्म के होती हैं, पहला जो जिस्म को ढांपता है और ये फ़र्ज है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म भी है, जो दिल को, दूसरा वो है जो रूह और दिल को भी ढांपता है। ये दूसरे वाला लिबास पहले से ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम ये बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, खुदू ज़ीनतकुम, और अल्लाह ने फरमाया वलिबासुत तक्वा ज़ालिका खैर,
कि बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास होता है। हो सकता है कि एक औरत ने ऐसा लिबास तो पहन रखा हो जिससे उसका जिस्म तो ढका हुआ हो, लेकिन उसने तकवा का लिबास ना ओढ़ रखा हो तो फिर क्या होगा। अब ठीक तरीका यही है कि वो दोनों तरीकों को अपनाते हुए जो कि अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया है, दोनों तरीकों को अपनाते हुए ऐसा लिबास पहने जो इंसान के जिस्म को भी और उसके रूह और उसके दिल को भी ढांप दे, दोनों तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करे।